क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11 स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर। तो मेरे को ये कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, मेरे को बताना है कि ये ट्रू और फॉल्स में से क्या है और जस्टिफाई करना है आंसर को, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोल रहा है ये, द वैल्यू ऑफ टेन इज ऑलवेज लेस देन वन, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब ऐसा क्यों, एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, लेट्स से दिस इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके अंदर लेट्स से ये साइड है 4, ये साइड है 3, एंड इफ वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं इसको नेमिंग दे देता हूँ ए बी सी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, so we are getting what 16 plus 9 that is 25, तो यहां से मेरे पास AB की वैल्यू क्या आ रही है 5। तो अब ये ट्रायंगल अगर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रही है मतलब ये ट्रायंगल बन रही है, पॉसिबल है। अगर मैं अभी इस ट्रायंगल के अंदर आपसे मैं tan B की वैल्यू पूछूं, tan B is what 4/3, so which is greater than 1, that's why this statement is false, that is tan A is always less than 1, so this statement is फाइन। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में इसने हमें क्या बोला है, secant A is equal to 12/5 for some value of angle A, this is a true statement, how देखते हैं। मैंने एक ट्रायंगल कंसीडर करा, लेट्स से पी क्यू आर, ओके, जिसके अंदर मैंने साइड्स ले ली, लेट्स से आई टेक दिस साइड्स एट 12, this says 5, okay, now I have to prove that secant A is equal to 12/5 for some value of angle A. Now in this triangle if I apply Pythagoras theorem r cube square is equal to rp square plus pq square, so now this 12 square is equal to rp, that is rp square plus 5 square, so we are getting rp as 144 minus 25, that is 119। अब ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है तो 119 रूट 119 ये लेंथ तो पॉसिबल है, और अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर आपसे सेकेंट क्यू की बात करूं तो वो कितना आएगा मेरे पास, दैट विल बी 12/5, सो आई कैन से सेकेंट ए इज इक्वल टू 12/5 इज पॉसिबल फॉर सम ट्रायंगल, जैसे कि हमारे इस ट्रायंगल के अंदर मेरे पास इस सेकेंट की वैल्यू क्या आ रही है 12/5, और ये वाला ट्रायंगल पॉसिबल भी है, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या स्टेटमेंट गिवन है, दैट कॉस ए इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज कॉस ए इज द एब्रीवेशन used for cosine of angle A, cosine of angle A, fine। Now fourth statement में हमारे पास क्या given है, cot A is the product of cot and A, cot A is product of cot and A, this is also a fourth statement, this is also a false statement, because cot A is not the product, it is cotangent of angle A, fine। Now देखते हैं fifth part में हमारे पास क्या गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल,
ठीक है, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। वाई देखते हैं, अब किसी भी एंगल का अगर साइन निकालते हैं तो हमारे पास साइन क्या आता है, हाइट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, यही होता है। अब एक चीज बताओ, कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें एक ये चीज पता है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो इन दोनों साइड से बड़ा होता है। अगर इन दोनों साइड से बड़ा है तो आई विल से हाइट से बड़ा है वो। अगर वो हाइट से बड़ा है, हाइट विद दिस हाइपोटेन्यूज विल बी द लॉन्गेस्ट साइड, सो दिस क्वांटिटी विल बी लेस देन वन ना, लेस देन और लेस देन वन। इफ दिस क्वांटिटी इज लेस देन वन, हाउ कैन दिस बी 4/3? 4/3 इज ग्रेटर देन वन, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट।